भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर दमोह जिला मुख्यालय पर भी भाजपा द्वारा किसान आक्रोश रैली निकालकर राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। इस मौके पर जिला भाजपा कार्यालय से पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के नेतृत्व में विशाल किसान जनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली में विधायक पीएल तंतुबाई एवं धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, महिला नेत्रियों सहित युवाओं की मौजूदगी रही। दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं देख रहा हूँ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर बी एस सिंह राजपूत जी का भी आगमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ये दीवाने कहाँ चले कमलनाथ तेरी जेल में, ये दीवाने कहाँ चले कमलनाथ तेरी जेल में। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकलनी है जो सरकार बननी है। राजा एक होकर यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है उससे दूसरे हम सर स्वास्थ्य के लिए पीड़ित से गुजरे को किसानों को भोजन किया जा रहा है और किसानों के हित में आज भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई आरम्भ की है। इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया था और उसमें उसने निभाया नहीं, जैसे 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात है वो हुआ नहीं, अतिवृष्टि के से जो नुकसान किसानों का हुआ है उसका मुआवजा भी देने की भी प्रारंभ नहीं किया। अभी तो ज़्यादातर जगह पर सर्वे भी नहीं हुआ, बढ़कर पैसे नहीं मिले हैं अभी तक, और जिनको प्रमाण पत्र दे दिए हैं अब उनके लिए प्रमाण पत्र मिल गए पर जो पैसे तो पहुँचे नहीं खातों में, तो उनके लिए डिफाल्टर हो गए, उनको ब्याज भी लगा और उनको ना तो खाद के लिए पैसा मिला ना सीट के लिए पैसा मिला, हर तरह से किसान ठगा गया। जो किसानों के अंदर आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति उसका एक प्रकटीकरण था, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे और किसानों के हित को लेकर वो सत्ता में आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि किसान के हित की वो बात कर रहे हैं। हमारे अभी अतिवृष्टि के कारण कई फसलें ख़राब हो गई, उनको आज मुआवजा देने की बात हो ना तो कोई मुआवजा आया ना किसी प्रकार का सर्वे का पता चल रहा है।